हे गाइस वेलकम बैक अगेन टू हाउ टू बेस। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है बहुत सारे टेक रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, जो टेक रिलेटेड अपडेट्स आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें इंक्लूडेड रहेगा कुछ ऐसा स्मार्टफोन जो लॉन्च हो चुका है और कुछ ऐसा स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला है। दोस्तों वो काफी आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिस हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों वो आता है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों JW Net Korea ने एक रिपोर्ट दिया है जिसके मुताबिक दोस्तों Xiaomi ने Samsung से OLED डिस्प्ले का ऑर्डर किया है और उसके साथ ही LG से भी OLED डिस्प्ले का ऑर्डर किया है। दोस्तों OLED डिस्प्ले का ऑर्डर किया है इसका मतलब Xiaomi बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपना एक नया स्मार्टफोन जो होने वाला है फोल्डेबल। तो दोस्तों जो Xiaomi है उसका तो हर स्मार्टफोन ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों, इसका प्राइस का स्पेसिफिकेशन बहुत सारा चीज जो बहुत ही कमाल का होता है। तो देखते हैं दोस्तों ये जो फोल्डेबल फोन आता है कब आता है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और किस प्राइस में आता है। तो दोस्तों इस जो फोल्डेबल फोन आने वाला है इसको लेकर आपका क्या ख्याल है, ऊपर दिए गए पोल में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों Samsung Galaxy Note 20 को लेकर। दोस्तों बोला जा रहा है कि Samsung Galaxy Note 20 जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है दोस्तों, उसका जो बैटरी होगा वो Samsung Galaxy Note 10 से ज़्यादा होगा। दोस्तों ऐसे तो हमें पता है कि जो Samsung Galaxy Note 20 है और Note 10 का ही सक्सेसर है। दोस्तों जो पता चल रहा है इसके मुताबिक Note 20 जो होगा उसमें रहेगा 4000 mAh की बैटरी, उसके साथ Note 20 Plus जो होगा उसमें रहेगा 4500 mAh की बैटरी, उसके साथ Note 20 Ultra जो होगा उसमें रहेगा 5000 mAh की बैटरी, जो काफ़ी कमाल की होने वाला है। अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी बहुत जल्दी एक 5G फ़ोन लाने वाला है दोस्तों, और जो 5G फ़ोन लाने वाला है वो 23 अप्रैल को वो अनाउंस करेंगे रियलमी की कौन सा फ़ोन वो लाने वाला है, कब लाने वाला है, कब लॉन्च करेंगे सब कुछ वो बोल देंगे 23 को। और हमें लगता है कि ये चाइना में आएगा रियलमी X50 यूथ नाम जो एडिशन है वो लेकर आएगा, या फिर वो ला सकता है रियलमी X3 को। और दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आता है कि दोस्तों चाइना मोबाइल और वॉय एक साथ मिलकर जो माउंट एवरेस्ट में उन्होंने 5G कनेक्टिविटी लाया और ये काम वो 25 अप्रैल के पहले ही कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है फेसबुक की तरफ से। दोस्तों फेसबुक ने लाया मैसेंजर किट, इंडिया में मैसेंजर किट लाया, उसमें रहेगा बहुत सारा स्पेसिफिकेशन जो अंडर 13 किड्स होंगे उनके लिए ये मैसेंजर किड्स जो ऐप है वो आएगा। और दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों कि 23 इंच का एक iMac और 11 इंच का iPad Air 2020 के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों जो 5G iPad Pro लॉन्च होने वाला था वो टल गया है 2021 तक, रिपोर्ट जो आ रहा है उसके मुताबिक। और दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों कि फेसबुक ने जियो का 9.99% जो शेयर से वो खरीद लिया है और वो उन्होंने खरीदा 43,574 crores में, जो क्या बताएं, अब देखते हैं फेसबुक क्या करता है उसको लेकर। तो चलिए देखते हैं अभी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों ओप्पो को लेकर। दोस्तों कुछ दिन पहले ओप्पो ने अपना ओप्पो रेनो 3 सीरीज लॉन्च किया और अभी लीक्स के मुताबिक खबर आ रहा है कि दोस्तों ओप्पो रेनो 3 एक नाम का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है उसी सीरीज का। दोस्तों इसमें रहेगा स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, दोस्तों इसमें रहेगा क्वाड कैमरा सेटअप जहां पर रहेगा 48+8+2+2 का जो कैमरा सेंसर्स होंगे और इसमें रहेगा 4025 mAh की बैटरी। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों नुबिया को लेकर। नुबिया ने एक नया गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, नुबिया प्ले गेमिंग फोन, और दोस्तों जिसमें रहेगा 144Hz का डिस्प्ले, उसके साथ रहेगा 244Hz का टच सैम्पलिंग रेट, और दोस्तों इसमें रहेगा 5100 mAh की बैटरी। दोस्तों इसमें रहेगा स्नैपड्रैगन 765G का SoC प्रोसेसर, दोस्तों इसमें रहेगा 8GB का LPDDR4X RAM का सपोर्ट, दोस्तों इसमें रहेगा थर्मल कूलिंग एक सपोर्ट जो आपका मोबाइल जब हीट हो जाएगा तो ये सपोर्ट करेगा लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है दोस्तों। और इसमें रहेगा बैक में रहेगा 48 मेगापिक्सल का एक सोनी IMX582 का
कैमरा सेंसर और उसके साथ रहेगा 8 मेगापिक्सल और दोनों 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। और दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 256 GB तक UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट। और दोस्तों इसमें इसका जो चार्जर होगा, इसका जो चार्जिंग सपोर्ट होगा 30 वाट तक होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें रहेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों इसमें रहेगा जो आपका डिस्प्ले रहेगा वो 6.65 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले होगा, जिसमें रहेगा 1080x2340 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन। दोस्तों इसमें इसका जो प्राइस निकल गया है दोस्तों, वो प्राइस है 6GB 128GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस होगा 2399 जो हो चुका है, और इंडिया प्राइस में कन्वर्ट करें तो ये होता है 26,000। और दोस्तों वेरिएंट है वो 8128 का है, जिसका प्राइस निकल गया है 2699 युआन, मतलब इसका प्राइस इंडिया में कन्वर्ट करें तो होता है 29,600 रुपीज़। दोस्तों इसका जो अगली वेरिएंट है वो है 8 258 GB का, जिसका प्राइस निकल गया है 2999, और इसका जो इंडियन प्राइस अगर हम कन्वर्ट करें तो होता है 32,500 रुपीज़। और इसे इसका जो सेल है वो चाइना में 24 अप्रैल आएगा, और दोस्तों इसका जो प्री ऑर्डर है वो चाइना में तो स्टार्ट हो गया, अभी देखते हैं इंडिया में कब तक ये लॉन्च होता है। और इसको लेकर आपका क्या ख्याल है दोस्तों, नीचे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है गेम के लेकर, जो फोर्टनाइट गेम में बैटल रॉयल गेम है, बहुत ही अच्छे जो गेम है, इतना दिन तो मोबाइल में नहीं मिल रहा था, प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा था, अभी दोस्तों वो आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगा, तो जाइए प्ले स्टोर में ढूंढिए और इसे इंजॉय कीजिए। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो हुआ था मोटोरोला लेकर। दोस्तों मोटोरोला एज प्लस जो आज रात को लॉन्च होने वाला है 9:30 बजे, और दोस्तों उसका प्राइस और कुछ स्पेक्स निकल के आया है। दोस्तों इसका जो कैमरा होने वाला है, बैक कैमरा वो होगा 108 मेगापिक्सल का, और उसका जो अपर्चर होगा वो f1.8 का होगा। दोस्तों इसमें रहेगा स्नैपड्रैगन 865 का SoC प्रोसेसर दोस्तों, जो कमाल का है, और उसके साथ इसका जो प्राइस निकल के आता है दोस्तों वो है USD 1000, मतलब अगर इंडिया प्राइस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 75,900 रुपीज़ दोस्तों, जो कमाल का है दोस्तों। और अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले होगा दोस्तों वो होगा 6.7 इंचेस का फुल HD कर्व एज 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा दोस्तों, जो कमाल का है दोस्तों। अगर इसका रैम की बात करें तो वो आएगा 12GB रैम सपोर्ट के साथ, और इसका जो स्टोरेज आएगा वो 256GB का आएगा, और इसका जो स्टोरेज का सपोर्ट होगा वो UFS 3.0 का होगा। और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा होगा उसमें रहेगा 25 मेगापिक्सल का कैमरा, और जिससे आप 6K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, जो काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो देखते हैं इंडिया में कब तक आता है, और इसका और कुछ स्पेसिफिकेशन क्या आता है, ये लिख सी आता है कि और ज़्यादा अच्छा आता है, वो देखते हैं आज रात 9:30 बजे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो आता है दोस्तों MIUI 12 को लेकर। दोस्तों बहुत जल्दी आपको इसी साल में मिलने वाला है MIUI 12, और दोस्तों ये आने वाला है MI 10 Lite 5G फोन के साथ दोस्तों, जो 27 तारीख को इसका लॉन्चिंग है दोस्तों, जो पता चलता है उसके मुताबिक। और दोस्तों ये जो MI 10 Lite 5G है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन आपको अगर बताए दोस्तों, तो इसका जो कैमरा होगा पेरिस्कोप टाइप का होगा, और इसमें रहेगा जेस्चर के सपोर्ट कंट्रोल होगा। और दोस्तों इसका इसमें रहेगा क्वाड कोर कैमरा सपोर्ट सेटअप, जिसमें रहेगा 50x तक की जूम, जो काफ़ी कमाल की है दोस्तों। इसका प्राइस का अगर बात करें, जो यूरोप में ये जो लॉन्च हो चुका है, इसका प्राइस का बात करें तो 349 यूरो है, मतलब इंडिया की प्राइस में कन्वर्ट करें तो 29,000 है दोस्तों। और इसका जो वेरियंट आएगा, चार वेरियंट आएगा, 6664 6128 8128 और 8256, जो काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। और जैसे जिस जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि MIUI 12 इसके साथ आने वाला है, तो MIUI 12 के लेकर जो वेट कर रहे हैं तो आपको 27 तारीख को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है ओप्पो को लेकर। दोस्तों ओप्पो का कुछ फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आ गया है, जिसमें एंड्रॉयड 8 में चल रहा था। तो दोस्तों वो फ़ोन का नाम कुछ ऐसा है कि ओप्पो रेनो 2, ओप्पो रेनो जेड, ओप्पो F11, ओप्पो F11 प्रो और ओप्पो A9, उसके साथ ओप्पो R17 में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आ गया है दोस्तों, जो काफ़ी कमाल की है दोस्तों। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों ओपेरा को लेकर। दोस्तों अब ओपेरा में भी आपको इंस्टाग्राम की सपोर्ट मिल जाएगा, आप ओपेरा डेस्कटॉप जो होगा वहाँ पर आप इंस्टाग्राम को एंजॉय कर पाएंगे। ओपेरा का जो वर्जन 68 आया है, उसमें आपको इंस्टाग्राम का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आता है माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल फैमिली सब्सक्रिप्शन अब इंडिया में भी अवेलेबल है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट 365 जो उसका जो प्राइस होगा, उसका जो आपको प्लान्स मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर आप 1 महीने के लिए लेते हो तो वो होगा 420 को लेकर, ये पर्सनल बोल रहे हैं। और अगर आप लेंगे 1 साल के लिए तो वो होगा 4,199 रुपये के लिए। और दोस्तों इसमें आपको मिलेगा
वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, इनका सपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ रहेगा 60 स्काइप मिनट जो आप कॉल कर पाएंगे, उसके साथ 1 TB क्लाउड स्टोरेज भी आपको मिलेगा। और अगर बात करें तो दोस्तों फैमिली के लिए जो 365 फैमिली पैक्स है उनके बारे में बात करें तो इसका महीने में लगेगा ₹530। और उसके साथ अगर आप ईयरली लेंगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन में आपको लगेगा ₹5,299, जिसमें आपको मिलेगा 60 स्काइप मिनट्स और उसके साथ रहेगा 6 TB का वन ड्राइव का क्लाउड स्टोरेज, जो एक फैमिली के 6 लोगों को सपोर्ट करेगा इनका इसका सर्विस, और एक टीबी पर फैमिली मेंबर के लिए। बहुत सारा अपडेट अभी भी बाकी था जो आपको बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे वीडियो लंबा होता है तो कोई देखता नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फिर से, और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द नीडी वन ऑल्सो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।